हाय, हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ आपको जो है बच्चों में क्या करना चाहिए एंड क्या नहीं करना चाहिए, स्पेशली रिलेटेड टू ड्रग्स एंड मेडिकेशंस। क्योंकि काफ़ी लोग आजकल क्या कर रहे हैं, अपने आप जो एडल्ट्स दवा ले रहे हैं वही बच्चों को दे दे रहे हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा बच्चों को हार्मफुल हो सकता है। एक तो स्पेशली जो क्या है, आपको डोज नहीं पता है, कुछ भी डोज दे दे रहे हैं कि बच्चों का ठीक है आधा डोज दे दिया, तो प्लीज़ ऐसा मत करिए। आप जो है अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही बच्चों को दवा दीजिए। तो आप कुछ दवाइयाँ हैं जो सेफ़ हैं एंड कुछ दवाइयाँ हैं जो आप प्लीज़ बिना डॉक्टर के कंसल्टेशन से मत दीजिएगा, तो वो मैं बता रही हूँ। तो सबसे पहले आता है पैरासीटामोल। तो अनटिल एंड अनलेस आपके बच्चों को पैरासीटामोल एलर्जी है, अगर आपके बच्चे को फीवर आ रहा है, कोविड है, तो आप जो है अराउंड दिन में 2-3 बार 4 बार भी पैरासीटामोल दे सकते हैं। ये वीडियो जो है सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन के लिए है, आपको कोई भी दवा आप जो ले रहे हैं डॉक्टर से कंसल्ट करके ही लीजिएगा। देन नेक्स्ट आता है आप हनी। हनी जो है इम्यूनिटी के लिए लोग दे रहे हैं, तो वो जो है आप अबव 1 ईयर दे सकते हैं, बिलो 1 ईयर हनी नहीं देना है। देन जिंजर, वो भी आप बच्चों में दे सकते हैं। अगर आप बहुत ही छोटे बच्चे में दे रहे हैं तो जस्ट फ्यू ड्रॉप्स दीजिए जिंजर जूस का, एंड बड़े बच्चों में भी बहुत ही ज़्यादा आपको नहीं देना है। देन नेक्स्ट इज बच्चों के लिए आपको हाइड्रेशन का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। बच्चे स्पेशली पानी कम पीते हैं जो कि अच्छा नहीं है, तो बच्चों का हाइड्रेशन का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है। देन नेक्स्ट आता है कि आपको जो है बच्चा, अगर बड़ा बच्चा है, गार्गल्स कर सकता है तो ऑब्वियसली आप गार्गल्स करा सकते हैं। अगर छोटा बच्चा है तो कुछ कोई ज़रूरी नहीं है, अगर आप उसको जो है थोड़ा सा गुनगुना पानी भी दे सकते हैं, सो दैट्स ओके। देन नेक्स्ट इज सारे विटामिन, लाइक विटामिन डी, सी, जिंक, ऑब्वियसली ये सब आप दे सकते हैं, बट जो डोज रहेगी वो जो है कुछ भी मत दीजिए, प्लीज़ डॉक्टर से पूछ के क्या डोज देना चाहिए एज के अकॉर्डिंग आप वो दीजिए। देन उसके बाद आता है बच्चे को अच्छा से प्रॉपर से रेस्ट करने दीजिए। तो बच्चों में क्या क्या कोरोना के सिम्टम्स होते हैं, आपको क्या फॉलो करना चाहिए, क्या डाइट फॉलो करना चाहिए, उसके लिए मेरा अलग वीडियो है, आप वो देख लीजिएगा। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको स्पेशली, मैंने ये इसलिए बनाया है क्योंकि क्या है काफ़ी लोग जो है कुछ भी ड्रग्स दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। देन नेक्स्ट कम्स इज कि आपको क्या क्या नहीं करना चाहिए, क्या क्या दवाइयाँ नहीं देनी चाहिए। देन कॉफ सप्रेसेंट, ये जो है यूजुअली बच्चों में देने की ज़रूरत नहीं है, और जो है इससे काफ़ी बच्चों को इनफेक्ट दिक्कत भी होती है। अगर आपके डॉक्टर ने जो भी कॉफ सिरप बताया है आप वो देख सकते हैं। देन आता है डॉक्सीसाइक्लिन, यूजुअली जो है काफ़ी छोटे बच्चे में less than 6-8 ईयर्स से बिलो जो है हम नहीं देते हैं, नहीं देना चाहिए क्योंकि इसका काफ़ी इफेक्ट आता है बॉडी पर। देन फेविपैविर, ये जो है बच्चों में ऐसे नहीं देना है। इवन अगर कोई ब्रेस्ट फीडिंग मॉम भी उसको ले रही हैं तो यूजुअली जो रहता है फीडिंग जो है उस टाइम बंद कराना है, एंड काफ़ी लोग रिकमेंड करते हैं कि फीडिंग जो है आपको 5-6 दिन तक बंद करके रखना है, उसके बाद ही शुरू करना है। देन क्लोरोक्विन, क्लोरोक्विन जो है वो भी आपको बिना डॉक्टर के कंसल्टेशन से नहीं लेनी है। देन नेक्स्ट इज रेमडेसिविर, ऑब्वियसली वो तो आपको घर पे मिलेगी नहीं, वो हॉस्पिटलाइज जब होते हैं तभी मिल सकती है। देन स्पेशली ये नो स्टेरॉइड और एस्प्रिन, ये जो ऐसी ड्रग्स हैं जो इजीली अवेलेबल भी हो जाती हैं या फिर कोई भी एंटीबायोटिक, एंड वो जो है लोग अपने आप देने लग जा रहे हैं, तो ऐसा मत करिए। अगर आपको बच्चे को कोविड है तो आप प्लीज़ डॉक्टर को कंसल्ट कर लीजिए, एंड डॉक्टर जो बताते हैं, क्योंकि स्पेशली जो एस्प्रिन रहता है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें मॉनिटरिंग भी करनी पड़ती हैं कभी कभी, तो वो जो है आप ऐसे मत दीजिए, उसका जो है काफ़ी साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है। तो ये था क्या आपको करना चाहिए एंड क्या आपको नहीं करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, एंड अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब।